गाइस आज मैं कोई बाइक का टेस्ट रिव्यू ये नहीं करने वाला हूँ। आज मैंने दो चीज़ फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो ये दोनों चीज़ का मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा। क्यों? ये एक्चुअली मोटो ब्लॉगिंग में बहुत ही काम आता है एंड बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। ये आप लोगों को बहुत कम पे देगा, इसलिए मैं छोटा सा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। यूजुअली मैं अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं करता हूँ इस चैनल पर, मगर ये कर रहा हूँ क्योंकि ये मोटो ब्लॉगिंग रिलेटेड है। अभी आप लोगों को शायद साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ देर बाद ये प्रॉब्लम भी हट जाएगा। तो आप लोग शायद गेस कर चुके हो क्या प्रोडक्ट मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। यू आर वॉचिंग राइज़ एंड राइट, आई एम योर फ्रेंड शुभ्रो, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस फर्स्ट मैं ये वाला प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करूंगा। ये वाला प्रोडक्ट है एक ब्लूटूथ वायरलेस कॉलर माइक। ठीक है, कभी कभी होता है हम लोग जब मोटो ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं कि गाड़ी से कभी दूर जाना पड़ता है, ठीक है, तभी अगर वायर लगा रहा है फोन के साथ, मैं फोन से शूट करता हूँ आप लोगों को पता ही है, तो अगर वायर लगा रहा है ना तो दिक्कत हो जाता है। तो मैंने एक वायरलेस माइक खरीदा है एंड ये बहुत ही मतलब चीप प्राइस पे, चीप मतलब खराब प्रोडक्ट ये नहीं, चीप प्राइस पे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट एंड 4.5 रेटिंग वाला प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मैंने खरीदा है। तो ये पहले मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, इसको फिर मैं फ़ोन पे लगा दूंगा एंड उसके बाद मैंने दूसरे वाला जो प्रोडक्ट खरीदा है उसका अनबॉक्सिंग करूंगा। तो आपका आवाज़ में जो डिफरेंट होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है आवाज़ में। तो जल्दी से ये वाला प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है एक वायरलेस माइक, जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बताया है, ये फोन के लिए है। ठीक है, ये देखिए फॉर आईफोन एंड फॉर सी टाइप। नॉर्मल जो फोन होता है ना वो पे उस पर भी लगेगा एंड ये आईफोन पे भी लगेगा, ये इसका खासियत है। जैसे ये यहाँ पे अडेप्टर लग जाता है इसका, और एक छोटा सा आईफोन के लिए अलग से अडेप्टर दिया है जो कि इसको यूनिक बनाता है। इसका जो प्राइस पॉइंट है ये सबसे ज्यादा क्लास पॉइंट है इसका, इसका इतना कम दाम पे आईफोन पे भी ये कंपेटिबल है, तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है। तो मैं जल्दी से एक बार खोल लेता हूँ, इस पर क्या क्या मिलता है मैं देख लेता हूँ। तो खोलने से ही पहले हम लोगों को मिलता है ये माइक, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये है इसका अडेप्टर, मेन अडेप्टर ये वाला है। ठीक है, ये इसको मैं हटाता हूँ। तो ये वाला है मेन अडेप्टर, ठीक है, ये सी टाइप के लिए है। ओके, ये हम लोगों का मेन जो माइक है इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये यहाँ पे एक क्लिप मिल जाता है एंड ये वाला जो है ये है आईफोन के लिए, इसको हम इधर लगाएंगे ऐसे, और ये एकदम प्लग एंड प्ले वाला चीज़ है। ठीक है, एकदम फोन पे लगाओ एंड आपको जो माइक्रोफोन है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा एंड उसके बाद आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। हाँ, इस पे इसका जो चार्जर है, ये माइक्रोफोन को जो चार्ज करना होता है तो इससे हम इजीली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका, ये तीन चार चीज दिया है तो इसको मैं अलग करता हूँ। ये चार चीज हम लोगों को मिल जाता है, क्या प्राइस पॉइंट में मिलता है मैं आपको बताता हूँ, ये सब हटा देते हैं। तो गाइस ये रहा नॉर्मल फ़ोन, आईफोन नहीं है ये, जस्ट सी टाइप का है, रेडमी K20 प्रो है तो सी टाइप का है। तो मैं एक बार इसको लगा के देखता हूँ ये कैसे साउंड कर देता है। ठीक है, तो इसको ऐसे जस्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है एंड इसको यहाँ पे टोटल ऑन, यहाँ पे देखिए पावर ऑन का एक बटन है। ठीक है, ये पावर ऑन का, इसको दबाने से ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लाइट एक ब्लिंक कर रहा है, ये ऑन हो गया है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला जो अडेप्टर है इसको यहाँ से खोल दिया है, जब खोल दिया है तब यहाँ पे देखिए रेड एंड ग्रीन वाला जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है एक साथ, मगर मैं इसको अगर लगा दूँ यहाँ पे, ठीक
ठीक है जी, ये ऑटो ऑटो कनेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन वाला लाइट एकदम से ब्लिंक हो गया है एंड ये एकदम ऑटो कनेक्ट है और कुछ नहीं करना है, ब्लूटूथ कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही प्लग एंड प्ले। अब इसको मैं अगर यूज करूँ तो ये यूजेबल है। अभी मैं इसको इधर से ये वाला फ़ोन से निकाल के मैं मेरा आईफोन में सेट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को साउंड चेक करवाता हूँ। ठीक है गाइस, अभी जो साउंड आप लोगों को मिल रहा है वो साउंड माइक के थ्रू से मिल रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे माइक लगा दिया है मेरा कॉलर पे एंड मेरा आईफोन पे, आईफोन से भी शूट हो रहा है एंड आईफोन पे मेरा एडाप्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो पंखा चल रहा है एंड अभी मेरा जो भतीजा है वो मेरे से 4 फीट डिस्टेंस पे खड़ा है, अभी ये साउंड मिल रहा है। अभी मैं उसको बोल रहा हूँ थोड़ा सा पीछे जाने के लिए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। थोड़ा सा पीछे जाओ आप, देखिए हम लोग अब अभी डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में करीब करीब 10 से 15 फीट। अभी आप लोगों को आवाज़ कैसे मिला है आप खुद ही बताइए। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड आवाज़ मेरे को लगता है एकदम क्लियरली आप लोगों को मिल रहा है। तो गाइस इस प्रोडक्ट का अभी भी मेरा माइक लगा हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द वीडियो में ये माइक से ही करने वाला हूँ। एंड ये जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, जो माइक मैंने खरीदा है, इसका प्राइस है 1090 फ्लिपकार्ट में। एंड मैं जो ये प्रोडक्ट अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये। तो गाइस ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर मोटो ब्लॉगर्स, जो लोग राइड करते हैं डेली बेसिस पे तो उन लोगों को ये एंड जिसके जिनके पास जैकेट्स नहीं है, राइडिंग जैकेट्स राइडिंग पैंट्स नहीं है, उन लोगों को ये चीज़ मस्ट लेना ही चाहिए। तो ये है एल्वो एंड नी गार्ड। तो मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। तो ये रहा हमारा नी गार्ड एंड ये कैरी बैग भी मिल जाता है, कुछ जाली जैसा दिया है तो यूजलेस है। तो गाइस ये है अपना नी गार्ड एंड ये है अपना एल्बो गार्ड। इसके बाद मैं एक बार पहन के भी दिखाता हूँ कैसे फिटिंग में आता है। तो गाइस एल्बो मेरा भतीजा ने मेरे को हेल्प किया है, एल्बो गार्ड मैंने लगा दिया है। तो मैं अब नी गार्ड थोड़ा सा लगा लेता हूँ, मैं जीन्स के ऊपर से ही लगा रहा हूँ। तो गाइस ये कैसा कुछ लुक देता है एंड ये बहुत कंफर्टेबल भी है, कुछ कुछ बहुत भारी होता है एंड आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा देता है। मगर मैं अगर आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठूँ, ये देखिए पूरा स्टेज होकर मैं बैठ पा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइट वेट है एंड काफ़ी मजबूत भी है। तो ये प्रोडक्ट को मैं मतलब आउट ऑफ 5 में 4.5 देना ही चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका जो बेल्ट है उसका जो वेलक्रो है वो वेलक्रो मेरे को ठीक नहीं लगा उतना, ठीक है, मतलब कितना दिन चलेगा मेरे को उसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने ना आउट ऑफ 5 4.5 दिया है। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट आप लोग खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पहले दे दूंगा इसका लिंक, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, यूजफुल लगा है। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। भाई जैसे भी लगाओ, लाइक किए हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसे भी लगाओ तो एक कमेंट बॉक्स पर करके जाना भाई, और कुछ नहीं, आप लोगों को सपोर्ट बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं कोई नया वीडियो पे नया ब्लॉग पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।